नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वीए किरायेदारी कानून। जी हाँ भाई, वीए में बता दूं बहुत सारी जनसंख्या है वो किरायेदारी से रहती है। जी हाँ, लेकिन क्या आपके मन में चार सवाल आ सकते हैं? हम चार कारण और उसका पूरा डिटेल के साथ हम बात बताएंगे कि क्या आप मान लीजिए वीए में जहाँ पे रहते हैं फैमिली में, फैमिली अपार्टमेंट होते हैं बहुत सारे, वहाँ पे आप अनमेरिड लोग नहीं रह सकते, कुंवारे लोग। जी आपने देखा होगा, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे आप विद फैमिली रहते हैं, अचानक आपको फैमिली घर भेजनी पड़ गई, तो क्या आप वहाँ पे सिंगल बंदे रह सकते हैं? इससे रिलेटेड हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे, कई बार आपने देखा होगा यार, मान लीजिए आप दुबई में रहते हैं, 10,000 दराम महीने का किराया आप दे रहे हैं, और आपको पता लगता है 2 महीने के बाद में कि भाई पड़ोसी तो 7,000 दराम महीने का दे रहा है, जबकि आपका अग्रीमेंट ज़्यादा पैसे का हो गया, तो क्या वो किराया आप आगे के लिए कम करवा सकते हैं? इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करते हैं भाई, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि वो दूसरों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि आप कितना किराया देते हैं, क्या आप किसी से पूछते हैं, तो क्या ठीक है, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे, अगर आप मान लो अग्रीमेंट समय से पहले ख़त्म कर देते हैं, तो क्या आपने एडवांस जो पैसा दिया वो वापस मिलेगा या फिर आपको और भुगतान करना पड़ेगा? इससे चारों के क्वेश्चन इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। रोज इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको भी इससे रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सारी जगह आपने देखा होगा यार कि कई जैसे बिल्डिंग होती हैं, कई एरिया ऐसे होते हैं कि वहाँ पे सिंगल बंदा नहीं रह सकता, यानी लोग सिंगल क्या 5 बंदे भी आप एक साथ उस फ्लैट में नहीं रह सकते। जहाँ पे फैमिली रहती है वहाँ पे आप विद फैमिली रह सकते हैं, लेकिन आपकी फैमिली नहीं होगी तो आप पे कुंवारे लोग या सिंगल लोग नहीं रह सकते। बहुत सारी जगह पे ये सिस्टम है, इसीलिए भाई जो लोग काम करते हैं, लेबर वगैरह कोई भी है, उनको अलग ही डिपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ पे कोई विद फैमिली वाला परिवार आपको दिखाई नहीं देगा। जी हाँ, हालांकि कई जगह रहते भी हैं तो भाई पड़ोसी शिकायत कर सकता है, तो इसको आपको बीच में भी निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक ये है कि आप मान लीजिए विद फैमिली वहाँ पे रह रहे हैं, अचानक से मान लो आपका टाइम अभी महीने का 8-10 महीने पड़ा है, या फिर कुछ भी रीज़न है, आपकी फैमिली को आपको इंडिया भेजना पड़ गया, तो आपका यह सवाल हो सकता है कि क्या मैं अकेला रह सकता हूं उस बिल्डिंग में, क्योंकि उस बिल्डिंग में साफ लिखा है कि आप विद फैमिली ही रह सकते हैं, सिंगल पर्सन नॉट अलाउड। जी हां, तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना होता है। पहली बात तो ये है कि भाई आप ये सोचते हो कि यार फैमिली 8 महीने, 5 महीने, 4 महीने बाद वापस आएगी, तो मैं यहीं रहना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको कन्विंस करना पड़ेगा अपना जो भी आपका रूम मालिक है उसको, आपका जो फ्लैट का मालिक है उसको आपको कन्विंस करना पड़ेगा, या फिर आपको लिखित में देना पड़ेगा कि मैं ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं करूँगा, दूसरों को सबलेट नहीं करूंगा, यानी थर्ड पर्सन को भी मेरे साथ में नहीं रखूंगा, कोई पार्टीबाजी नहीं करूंगा, कोई हो हल्ला उड़दंग नहीं करूंगा। ये कन्विंस आप अपने मकान मालिक के साथ कर सकते हैं। जी हाँ, से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर 5 महीने 4 महीने बाद मेरी फैमिली वापस आएगी, तो मैं इसी रूम में यहाँ इसी फ्लैट में रहना चाहता हूँ, ये लिखित में हो जाएगा, तो वो एक आश्वस्त हो जाएगा कि चलो बंदा सही है, ये काम गलत नहीं करेगा। अगर आप शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो आपको बीच में ही खाली करना पड़ सकता है अपना फ्लैट। जी हाँ, पहले क्वेश्चन का आंसर अब हम बात कर लेते हैं कि अग्रीमेंट। जी हाँ, अग्रीमेंट मान लीजिए किसी के साथ में आपका हो गया, तो उसके बाद में क्या आपका किराया कम हो सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई देखिए सभी जगह इंडिया में देख लो, सब जगह किराया सेम नहीं, वीआई में भी आपको हपक पक पे यानी हर 1 किलोमीटर पे किराया चेंज मिलेगा। किराया एक ऐसे अस्थाई नहीं होता कि यहां पर अगर आप 10,000 दराम दे रहे हैं तो वहां पर भी आपको 10,000 दराम में मिलेगा, या ऐसे नहीं होता। किराया हमेशा जगह पे और सिस्टम पे, सुविधाओं पे और वहाँ का डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। एरिया जैसे कोई पुअर एरिया होता है, कोई पोस एरिया होता है, वहाँ पे सब पैसे वाली फैमिली रहती है तो वहाँ तो किराया महंगा मिलेगा। एक लेबर जोन में लेबर वर्क रहती है तो वहाँ आपको किराया सस्ता मिल जाएगा। ये एक किराया डिफरेंट होता है हर जगह पे सुविधा के हिसाब से। जी हाँ, लेकिन फिर भी मान लो आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो बिल्डिंग में 100-150 फ्लैट हैं, कितने भी हैं, और आपने वहाँ पे अग्रीमेंट कर लिया कि महीने के आपको 5,000 दराम में फ्लैट मिल गया, ठीक है जी, या फिर मान लो महीने का 10,000 दराम में आपको फ्लैट मिल गया, और 2 महीने के बाद में आपको पता लगता है यार पड़ोसी 7,000 महीने दराम में आप वो फ्लैट ले रखा है, तो आपका तो 3,000 दराम एक्स्ट्रा लग रहा है ना, तो ये एक प्रॉब्लम, ये एक गलत बात हो सकती है आपकी नज़रों में कि यार पड़ोसी 7,000 दे रहा है, मैं 10,000 दराम दे रहा हूँ, ऐसा क्यों? तो इसका अनुरोध आप जिसके साथ में आपका अग्रीमेंट हुआ है, चाहे आपका रियल इस्टेट एजेंट है, कोई भी है, उसको बता सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, यानी एक ही जगह रहते हुए दो बातें क्यों हो रही हैं, वो 7,000 दे रहा है, मैं 10,000 दे रहा हूँ। अगर वो मानता है कि ठीक है सर मैं कुछ गलती हो गई, या पहले किराया ज़्यादा था,
अभी किराया कम हो गया तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं, वो किराया जो पड़ोसी दे रहा वही किराया आप दे सकते हैं। ये जो बता दूं, अगर वो नहीं मानता है जी, का जो रेंटल डिस्प्यूट सेंटर बना हुआ है वहां पे जाके अधिक किराया वसूलने का आप उनके खिलाफ में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ताकि आपका किराया जो नॉर्मल है वही लगे, ज्यादा आपसे पैसा नहीं लिया जा सके। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, अगर ये प्रॉब्लम है तो आप इसका समाधान कर सकते हैं दो तरीकों से, ठीक है जी। आगे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है तीसरे नंबर पे कि बहुत सारे लोग सबसे ज्यादा ये पूछते हैं कितना किराया देते हो। बहुत सारे आपने देखा होगा अमूमन, आप मान लीजिए भी फ्राइडे के दिन कहीं मिलते हैं या कैसे भी संडे के दिन मिलते हैं तो ये पूछते हैं भाई क्या काम करते हो, आप क्या करते हो, आपकी तनख्वाह कितनी है, आपकी तनख्वाह कितनी है, आप कहाँ रहते हो, मैं वहां रहता हूँ, आप साधन क्या है आपके पास जाने के लिए, गाड़ी है, ऐसे सवाल लोगों के होते हैं, पूछने का उत्सुक होते हैं वो, लेकिन वो बताते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि लोग बताना नहीं चाहते। आपका ये क्वेश्चन सबसे, आप जहाँ रेंट से रह रहे हैं ना तो आप लोगों से ये पूछूंगे भाई आप कितना रेंट दे रहे हो, आप कितना दे रहे हो, आप कितना दे रहे हो, फिर आप कंपेरिजन करोगे यार ये इतना दे रहा है मेरा इतना लग रहा है, इससे आओ इसका ज्यादा है मेरा कम है, और अरे भाई इसका कम है मेरा ज्यादा, ऐसी लोगों की सोच होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूछना लास्ट में जाके गलत हो सकता है, ये एक हर आदमी की सोच होती है, यार मैं ये बातें, कुछ बातें वो निजी समझते हैं तो वो बताना नहीं चाहते। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें कि भाई आप मान लीजिए कि कहीं रहते हैं, लोगों से पूछ रहे हैं आप कितना किराया दे रहे हो, आप कितना दे रहे हो, तो अगले को मेंटली मतलब एक हरासमेंट वाली बात हो जाती है, क्योंकि वो नहीं बताना चाहता आप कितना किराया, हालांकि लोग अमूमन बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं बताते। तो भाई आप ये जो किराया कितना देते हो ये पूछना आपके सेल्फ पे डिपेंड करता है कि किसको पूछना चाहिए, किस बंदे को नहीं पूछना चाहिए। कुछ लोग फ्रेंकली होते हैं जो बिना बताए बता देते हैं, और कुछ लोगों को आप अंदर घुस जाओ फिर भी वो नहीं बताते कि आप कितना किराया देते हो, आप कितना कमाते हो, सैलरी से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपका खर्चा कितना हो जाता है रहने खाने का, ये बातें बहुत सारे लोग हैं वो नहीं बताना चाहते। तो ये थोड़ा सा इस पे आपको खुद पे सेल्फ में आपको थिंकिंग में सोचना पड़ेगा जी। हाँ, नंबर पे बात कर लेते हैं, मान लीजिए अग्रीमेंट से रिलेटेड। जी हाँ, अग्रीमेंट आप मान लीजिए समय से पहले खत्म कर रहे हैं, आप जहाँ रहते हैं आपका अग्रीमेंट एक साल का हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि यार नहीं मुझे कुछ अर्जेंट हो गया, मुझे इंडिया जाना है तो मैं रेंट अग्रीमेंट ख़त्म करना चाहता हूँ, तो क्या वो आपने जो पैसे एडवांस दे रखे हैं वापस मिलेंगे, या फिर कहीं पता लगे कि आपको सामने पैसा देना पड़े। इसकी जो अग्रीमेंट हुआ है ना वही मान्य होगा, अगर आपका लिखित में ओरिजिनल अग्रीमेंट हो गया उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, नहीं तो आप कर सकते, नहीं आपका मकान मालिक कर सकता। कहने का मतलब कि एक साल का अग्रीमेंट है तो एक साल पहले मकान मालिक आपसे रूम खाली नहीं करवा सकता, समझ गए। अगर कोई लीगल एक्शन आपके खिलाफ में ना हो तो वो नॉर्मली में नहीं करवा सकता। अगर आप भी खाली करते हैं तो वो आपकी गलत सोच होती है, इसलिए आप गलत खाली कर रहे हैं, बाकी खाली आप कर भी नहीं सकते, अगला खाली करवा भी नहीं सकता। लेकिन कुछ मान लीजिए विशेष परिस्थितियों में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जो साबित करती है कि रियल में आपको प्रॉब्लम है, आपको छोड़ना पड़ेगा या आपको इंडिया जाना है, आपको कुछ भी जॉब आपका चला गया, एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ये होता है कि भाई जो भी आपका आगे का जो समय बचा है उसका 30% जो एडवांस देना होगा अपने मकान मालिक को। ये बात आपको गौर से, जितना भी आप किराया दे रहे हैं ना महीने का, उसको जितने महीने बचे उसका 30% आपको अपने मकान मालिक को देना होगा। जी हाँ, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, यानी आपका एक साल का रेंट हो गया 11 महीने का, आपने मान लीजिए 5 महीने रह गए, बाकी आपके 6 महीने बच रहे हैं, 6 महीने का मान लो किराया तो बनता है आपका 10,000 दिरहम, आपको उसका 30% एडवांस देके आप अपना मकान खाली कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, अगर सामने वाली पार्टी मानती है तो। अगला इसलिए मान जाता है कि उसको पता है कि 30% तो एक्स्ट्रा आ रहा है, कल ही अपन ये रूम दूसरे को चढ़ा देंगे किराए पे, तो अगले को ज़्यादा बेनिफिट है, इसलिए ये सोच सकता है, और आपको भी बेनिफिट है कि अग्रीमेंट होने के बावजूद ही आपका 30% पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। हाँ, दूसरी परिस्थिति हो जाती है कि अग्रीमेंट आपका एक साल का है, कुछ विशेष परिस्थितियों में मकान मालिक आपको ये बोलता है कि भाई आपको रूम खाली करना पड़ेगा, मैं इसमें बस रहा हूँ, मैं इसमें विथ फैमिली रहूँगा, या फिर मैं इसको सेल आउट कर दिया। अगर मकान मालिक आपसे खुद से अपने आप खाली करवा लेता है समय से पहले किसी भी रीज़न की वजह से जो मैंने बताए, तब आपको एडवांस के तौर पर 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका एडवांस दिया हुआ है वो भी आप वापस ले सकते हैं। जी हाँ, आगे अगर बात करें तो इसमें देखिए, जब आप अग्रीमेंट करते हैं ना तब ये कंडीशन लागू कर सकते हैं कि मान लीजिए ठीक है मैं रह रहा हूँ, मेरे को अर्जेंट में कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कल को मैं मकान खाली करता हूँ या फ्लैट खाली करता हूँ तो मैं एडवांस नहीं दूंगा, या फिर जो एडवांस दिया हुआ है वो रिटर्न लूंगा। ये बातें शर्त मेंशन की जा सकती हैं, अगर आपने पहले से मेंशन कर रखी हैं तो आपको पैसा वापस मिल सकता है या फिर आपको एडवांस में देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी, सब बातें मैंने आपको बताई हैं साथियों, रेंट अग्रीमेंट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, लगभग सभी के ये काम आने वाली बातें हैं। जिसमें और भी आपको लगता है कि यार नहीं संतुष्ट नहीं है, ज़्यादा जानकारी की जरूरत है,
या ज़्यादा इंक्वायरी आपको लेनी है तो भाई देखिए जो रेंटल विभाग है वहाँ पे आप इसकी पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं, अलग अलग पूरे प्रोसेस वहाँ पे हैं। तो बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।